कुकर में आधे बड़े चम्मच के लोग ऑयल डाल दिया था, ऑयल ऑलरेडी गर्म हो चुका है। अब ये सोया बड़ी थी, इनको ऑलरेडी सोक कर लिया था। अब इनको हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे लगातार बढ़िया से चलाते हुए। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और सोया बड़ी को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए सोया बड़ी कलर जो है चेंज हो गया, बढ़िया से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की फ्राई हो चुकी है। अब इनको हम निकाल लेते हैं, बहुत बढ़िया से अच्छे से कलर आया है। तो सारी सोया बड़ी को हम निकाल लेंगे और जो इसमें कुकर में फिर से एक बड़े चम्मच गुलाब मस्टर्ड ऑयल है इसको डाल रही हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं तहरी बनाने के लिए। ऑयल अच्छे से गर्म होने देंगे, जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा एक चौथाई चम्मच जीरा डाल देंगे। और ये एक बड़े साइज़ का प्याज था, इसको थोड़ा सा बड़े साइज़ में कट किया है, इसको डाल देंगे। प्याज में बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर का आने तक वेट करते हैं। तो प्याज देखिए बढ़िया से ब्राउन कलर का हो चुका है, बहुत बढ़िया से। अब आधा चम्मच हल्दी पाउडर है इसको डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच भर के धनिया पाउडर है इसको डाल देंगे। थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जो हैं जले ना। अब मसालों को हम लगातार चलाते हुए बहुत बढ़िया से फ्राई कर लेंगे जब तक ये सारा ऑयल ना छोड़ दें। ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत अच्छे से जल्दी से भुन जाएंगे। तो देखिए 2 मिनट लगे हैं, अब मसाला बहुत बढ़िया से भुन गया है, अभी बिल्कुल रेडी है। अब जो हमने सोया बड़ी जो है इनको फ्राई करके रखा था इसको हम इसमें डाल देते हैं। साथ ही साथ 3 से 4 आलू थे मीडियम साइज़ के, इनको हमने इस तरह से बड़े स्लाइस में हल्का सा कट किया है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। साथ ही साथ नमक के स्वाद के अनुसार इसको भी ऐड कर देंगे एंड मसालों को बहुत बढ़िया से चलाएँगे। आलू और सोया बड़ी के साथ इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और कोई अगर बैचेस आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं इसी वक्त आप। तो देखिए बढ़िया से अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें आधे लीटर के लगभग पानी है इसको ऐड कर देंगे। हम 1/2 kg चावल बना रहे हैं, आधे लीटर के लगभग पानी जो है इसमें ऐड कर दिया है। अब गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और बढ़िया से हल्का सा उबाल आने तक वेट करेंगे। और ये 1/2 kg चावल थे, ये बासमती राइस है, कोई भी राइस आप यूज कर सकते हैं। इसको हमने धुल लिया तो 2-3 बार पानी में अच्छे से। अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं। सारे चावल डालने के बाद एक बार इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने तक वेट करेंगे। उसके बाद कुकर का हम ढक्कन लगाकर इसमें 2 सीटी लगभग लगा लेंगे। साथ ही साथ 1/4 चम्मच गरम मसाला है इसको भी ऐड कर दिया है लास्ट में। और बढ़िया से फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब कुकर का हम ढक्कन लगा देंगे। तहरी आप किसी भी चावल की बनाएं, तहरी जो है बहुत अच्छी लगती है, मेरी तो बिल्कुल फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए कुकर का ढक्कन लगाकर 2 सीटी लगा लेंगे। उसके बाद 3 मिनट तक इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद गैस एक्स्ट्रा जितनी भी है उसको निकाल देंगे और बढ़िया से अब खोल के देखते हैं क्या हाल चाल है। तो देखिए बहुत अच्छे से सोया बड़ी जो है ऊपर आ गई है एकदम फूल कर, और तहरी जो है अच्छे से बन चुकी है। चावल बढ़िया से पक चुके हैं, आलू भी एकदम अच्छे से पक चुके हैं, तो तहरी जो है बनकर रेडी हो चुकी है। एक बार बढ़िया से हम इसको मिक्स कर लेंगे, सोया बड़ी आलू और तहरी को अच्छे से चलाते हुए इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और सोया बड़ी आलू की तहरी जो है बहुत बढ़िया से बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखने में जितनी अच्छी लगती है खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आलू की तहरी। तो देखिए अब इसको हम सर्व करेंगे। टमाटर की चटनी है, अचार है और सलाद है, इसके साथ हमने सर्व किया है। तो देखिए आलू की बहुत ही बढ़िया सी तहरी जो है बनकर रेडी हो चुकी है एकदम गर्मा गर्म। इसको खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा रेसिपी कैसी लगी। ऐसी न्यू एंड टेस्टी रेसिपी जानने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ऐसी और वीडियोज आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।